हैं सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमजान मुबारक हो। इस महीने में हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। मामा रमजान वैसे चपले मार रही है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वाह बीबी बहुत ज्ञानी हो गई है। लोगों की जिंदगी में थोड़े से मसले होते हैं और जिंदगी होती है, और मेरी जिंदगी में मसलों के अंदर थोड़ी सी बस जिंदगी है। और वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड 15 ग्राउंड। आज रमजान का दूसरा दिन है, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमजान मुबारक हो। बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद कहाँ यार, मैंने रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया, मतलब लेकिन रमजान का ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आप लोग ने बताना है कि आप लोग के रमजान कैसे जा रहे हैं। मेरी तरफ से सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज्यादा रमजान मुबारक हो। एंड आई होप आई विश के इस महीने में हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैं अभी बस मास्क पढ़ के बैठी थी और मैंने सोचा कि आज व्लॉग अपलोड कर ही लिया जाए, क्योंकि पिछले दो दिनों से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। बट आज मैंने सोचा बेटा आज तो आपने व्लॉग रिकॉर्ड करना ही है। और आज हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का इतना हैक्टिक डे था या मेरे हाथ में ना दर्द शुरू हो जाता है मोबाइल पकड़ के। और यूनिवर्सिटी का इतना हैक्टिक डे था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि हमारी क्लासेस थी आज और रमजानों में भी क्लासेस हो रही है। मतलब वाओ, रमजान में वैसे ना यूनिवर्सिटीज को कुछ रिलैक्स दे देना चाहिए। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने हमें रिलैक्स दिया, पहले हमारी 5 दिन क्लासेस होती थी, अब हमारे 3 दिन क्लासेस हो रही है। मैं 2x की स्पीड पर बोल रही हूँ, अल्लाह मेरी स्पीड को कम करे, पता नहीं क्यों मैं इतना फास्ट बोलती हूँ। खैर, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे था। फिर मैं जो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आई हूँ घर, और मैं इतनी नींद में झूल रही थी, लेकिन मैंने बोला बेटा सोना नहीं है, क्योंकि सो गई तो आपकी असर, और मगर मैं तो वैसे खुद ही उठा देते तो वो आपकी ना गुल हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी तक जागी हुई हूँ। अभी मैं सारे काम शाम करके मैंने सोचा कि मैं अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद जो है ना सुबह सहरी के टाइम पे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बिकॉज आपकी बहन जो आज गई है यूनिवर्सिटी, सो शी इज सो टायर्ड। लेकिन आवाज़ से नहीं लग रहा ना, माशाल्लाह एनर्जी चेक कर रहे हैं आप, एनर्जी लेवल यहाँ पे पहुंचा हुआ मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर नहीं लगे। मैं अपना नजर उतार लूँ ऐसे ऐसे, हाँ नजर उतार ली मैंने। क्या, व्हाई आर यू वॉचिंग लाइक दैट, और वाह क्या एक्शन निकला। सो बस यार मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और फिर सुबह सहरी में मिलते हैं, ठीक है। और सहरी का टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, और आज मैं सहरी बनाने के लिए नहीं उठी, क्योंकि आज की सहरी बनाई है मेरी वालिदा ने। मुझे आवाज़ आई थी किचन में कुछ काम शाम चल रहा है, मैं जोर जोर से बोली, क्योंकि मेरे घर वाले ने अभी तक सहरी के लिए आने दे, कोई कह रहा है 5 मिनट में आ रहा, कोई कह रहा 4 मिनट में आ रहा, कोई बोल रहा 10 मिनट में आ रहा, तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी ताकि सबकी नींद में खलल पड़े और वो खुद शराफत रह के बैठ जाए। तो सही कह, क्यों नहीं उठी, क्योंकि मुझे आ रही थी मामा किचन से आवाज़, मतलब मेरी माँ जब काम कर ही रही है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। वैसे सहरी बनानी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हाँ ना, शक्ल नाकल से लगता है कि मैं काम करती हूँ, लेकिन यार मैं करती हूँ। और अभी चलते हैं सहरी शहरी करते हैं। चलो भाई, सहरी वहरी तो हमारी हो गई है, और सबको ना मेरे अपने ब्लॉग से उठाया है, मैंने बोला उठो उठो मेरे ब्लॉग की आवाज़ सुन के ना। यार मामा व्लॉग होता है, क्या होता है व्लॉग होता है, ब्लॉग होता है, आप लोग बताएं कमेंट में, लेकिन आप लोग स्पीक करके कैसे बताएंगे। वी लॉग तो ओ जी लिखना, और व्लॉग होगा तो दोनों में यूज ही रहेगा। बी और वी लिख दो, बाकी खत्म। बी नहीं, मामा बोल रही है ब्लॉग नहीं होता, मामा कह रही है वी लॉग होता है, और मैं बोलती हूँ व्लॉग, मतलब मैं शॉर्टकट बोलती हूँ व्लॉग में, कौन इतना वी लॉग पड़ेगा। अगर वी लॉग होगा तो वी ई एल ओ जी होगा क्या। अच्छा यार मामा रमजान वैसे चपले मार रही है, सभी सर्दी वापस आ गई है, मामा तो वापस कराची आ गई है। तो क्या मामा, देखो देखो जब से आप कराची आई हो ना, तब से कराची में सर्दी, तब से कराची में सर्दी ज्यादा हो गई है। कैसी औलाद है मामा, यार क्या है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन करेगा। और बस अभी सहरी वहरी करके ना अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, भैया तो रेडी हो गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ के हम फारिग हो गए हैं। और अब मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। और कल हमें फिर ही, मतलब आज हमें फिर यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज यूनिवर्सिटी से हम छुट्टी करें, क्योंकि रमजानों में यूनिवर्सिटी जाना इज अ हैक्टिक। तो आप अपने आप को देखें और अपने रोजे को ठीक करें, यू नो। तो हम कल तो गए थे, लेकिन कल जो हम जाके हमारी जो हालत हुई है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग में इंसान ज़्यादा थक जाता है, वरना पढ़ाई से तो इतना नहीं होता, ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा होता है कि ट्रैवलिंग की वजह से बंदा थक जाता है। तो आज को तो हमने सोचा हम टुल्ला मारेंगे, इस हफ्ते में हम लोग सिर्फ 2 दिन गए, मतलब ये जो हमारा है ना सेमेस्टर, ये नया ईयर,
इसमें बहुत छुट्टियां कर ली हैं भाई, बहुत छुट्टियां कर ली। तभी खैर फजूल बातें कम करते हैं, आप लोग बताएं क्योंकि मैंने रमजान के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं डालूंगी इंशाल्लाह। और मैंने अपने आप को इस व्लॉग ने बहुत पुश किया, मैंने चल बेटा आज तो बना, तो इसलिए आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और मुझे मेरी दोस्त ने बड़ा पुश किया था यार कल के बनाओ लाइव कुछ डालो, मतलब क्या कर रही हो तुम। और मैं कहती थी कि नहीं यार मैं अभी नहीं डाल रही, फिर से मुझे बोला, फिर से मुझे समझाया, मतलब ऐसे दोस्त है माशाल्लाह मेरे पास। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमजान कैसा जा रहा है, आज तीसरा रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आगे 27 रह गए। मेरी बहन की गोली आएगी मेरे पास, शूट टूश। तो आप लोगों ने बताना है ठीक है कमेंट्स में कि किस तरीके से गुजर रहा है आप लोगों के रोजे और क्या क्या कर रहे हैं स्पेशल। और इसके अलावा ये जो मंथ है ना बहुत ब्लेसिंग गया, मैं मोबाइल कहीं रख के ना फिर बात कर लेती हूँ, है ना, एक मिनट सेट करती हूँ। ये जो हमारे पास मंथ आया ना, ये पूरे हमारे पास आया 11 महीनों के बाद, और इट्स 12 मंथ, मतलब वैसे अगर हम देखा जाए रमजान का तो आई होप कि इस महीने में हमारा जो ईमान है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाए और हम अल्लाह के और करीब हो जाए। और जो कुछ लोग होते हैं ना जैसे स्पेशली इस महीने में जैसे हम जिनको कहते हैं कि रमजान के मुसलमान, सो इफ यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ पीपल टू काइंडली उनको ऐसा नहीं बोलना कि भाई रमजान के मुसलमान, बिकॉज हम नहीं जानते कि अल्लाह उनको क्या हिदायत दे रहा है और हमें क्या हिदायत दे रहा है। और मे बी ये उनके साइंस एंड सिम्टम्स हों कि वो इस महीने में अल्लाह के और करीब हो जाए, ठीक है। सो वी कैन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वाह लाइबा बीबी बहुत ज्ञानी हो गई है माशाल्लाह। सो बस यार अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आई होप कि कल वाला रोजा तो इंशाल्लाह अच्छा जाएगा, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी से सोचा है छुट्टी करने का, अभी कंफर्म नहीं है। सुबह उठ के देखते हैं कि क्या मूड बनता है, वैसे सुबह ही क्या उठेंगे, एक घंटा ही बचा है, 7 बजे उठने, कल बहुत सारे काम करने हैं। बाय बाय। एंड इफ यू वॉच लास्ट वाला ब्लॉग तो आपको पता होगा कि मेरा जो ये ट्राईपॉड था ना ये टूट चुका था, तो कल मैंने अपने भाई को बिठाया और मैंने बोला यार ये मुझे सही कर दे। तो वैसे मैं उसको बहुत दिनों से कही थी, जब से टूटा था तब से ही बोल रही थी, और उसमें करना क्या था, सिर्फ एल्फी लगानी थी, वो मुझसे खुद नहीं हो रही थी, उसके लिए मुझे मेरे भाई की जरूरत है। पापा की परी वाला बंदा नहीं, भाई की परी, क्योंकि भाई को काम बोला ना। तो फिर खैर से कल मैंने फैजान को बोला, मैंने भाई ये मुझे लाजमी से करके, तो बिकॉज मैंने बनानी थी एक अदर शहरी वाली कंप्लीट प्रॉपर रूटीन वाली वीडियो, तो उसके लिए मुझे किचन में ट्राईपॉड सेट करना था, और मेरे भाई ने फाइनली इसको ठीक कर दिया है। देखे जरा ऐसे भाई जुगाड़ू, यू नो। अब मैंने बोला क्या इसके ऊपर मैं दोबारा पैसा खर्च करके दोबारा एक और ट्राईपॉड स्टैंड खरीदूं, इसलिए जुगाड़ू काम किया हमने, इसको ठीक कर दिया। और शहरी वाली वीडियो बनाई थी इसलिए किया था, लेकिन शहरी वाली वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मेरी अम्मा हुजूर ऑलरेडी सारा काम करके बैठी हुई थी। तो मैंने बोला जब मुझे, मैं सो ही रही थी और मेरे अलार्म से बज रहे थे, फिर मैंने बोला जब मेरी माँ हुजूर काम कर रही हैं तो फिर मुझे क्या जरूरत है जाने की, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि शहरी बनाती हूँ, सो वाई नॉट, लोगों को पता चलना चाहिए यार मैं इतनी भी नलायक निकम्मी निखट्टू और क्या होता है काम चोर और क्या होता है ऐसी नहीं हूँ यार मैं, करती हूँ मैं, जब दिखाऊंगी ना प्रॉपर मैं कितने अच्छे अच्छे पराठे बनाती हूँ, स्पेशली फिर वो अफ्तार के टाइम पे तुम लोग रोजे की हालत में भेजूंगी तुम लोगों को, ठीक है। फिर मुंह में पानी लेके आना, आप चलो सुबह उठते हैं यार बस। गुड मॉर्निंग भाई, अभी मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह के सारे काम शाम निपटा के मैंने बोला कि अब मैं थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ। और आज आपकी दीदी जब सुबह उठी है अभी तक आपकी दीदी काम कर रही है, मतलब वाह, मतलब अच्छा दिन गुजर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इस महीने में ना अलग ही बरकत होती है और एनर्जी का लेवल भी अलग होता है, और हमारा स्पिरिचुअल लेवल जो होता है ना उसकी तो अल्लाह हमें ऐसे ही रखे, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को हाई रखे, कभी लो नहीं हो हमारा फेथ। आप लोगों का रमजान कैसा गुजर रहा है आप लोगों ने बताना है नीचे कमेंट में, ठीक है। और अभी हम बस ये बेड सेट करते हैं, क्योंकि बेड सेट नहीं किया बाकी सारे काम हमने कर लिए, और फिर आते हैं। इट्स अ रमदान व्लॉग, और इस व्लॉग में ना ही मैंने कोई रमदान प्रिपरेशन सिखाई है ना अफ्तारी की ना सहरी की, और बहुत कैजुअल सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। लाइट नहीं है भाई, लोगों की ज़िंदगी में थोड़े से मसले होते हैं और ज़िंदगी होती है, और मेरी ज़िंदगी में मसलों के अंदर थोड़ी सी बस ज़िंदगी है। और अभी मैं पानी छानने लेकर आई हूँ अपने खूबसूरत से प्लांट्स को थोड़ा सा पानी छानने दे दूँ, इनका तो रोज़ा नहीं है ना, हमारा रोज़ा है ना। सो ओए होए वाह कलेश, बताया ना मैंने लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा मसले होते हैं, मेरी ज़िंदगी में मसले ज़्यादा ज़िंदगी कम। चलो नीचे मैं भी जा ही लूँ ना, मैं भी ऐसे ऐसे करके दे रही हूँ नीचे, यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, किसकी जहालत है मेरी, जाहिर सी बात है, फिर वैसे दे रही हूँ ऐसे ऐसे लाइव भी ऐसे देते। अबे चल ना, चलो भाई इनका खाना खुराक भी पूरी हो गई है, अब
पहले इसको जो मैंने गन बनाया इसको सारा सफाई मारूं। और आज मैंने तो यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी, आपको पता चल ही गया होगा। जो सुबह सुबह मैं घर पे उठी हूँ, सुबह में उठी मेरा मूड नहीं हुआ जाने का, तो मैंने छुट्टी कर ला छुट्टी। और थोड़ा सा जाके हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं। वैसे नहीं आती ऊपर का हमारा स्टोर रूम ऐसा हो रहा है ना, आपने जरा से भी जज नहीं करना। हेलो पेरेंट्स, तुम लोग रोजा तो नहीं है ना? हेलो बेटा, डर क्यों रहे हो बेटा? इंसान हूँ मैं, इंसान जानवर नहीं हूँ, क्यों डर रहे हो? देखो जरा डेली तो जैसे मैं आती। हेलो, इतनी बुरी आवाज है मेरी? हाँ इतनी बुरी आवाज है, शर्म नहीं आ रही है? बाजी को, बाजी के सामने तो बदतमीजी कर रहे हो, यूट्यूब ऑडियंस को दिखा रहे हो कि तुम लोग मुझसे डरते हो है? मैं जा रही हूँ, तेरे कुत्ते बदतमीज है। इतने नीचे से मैं तुम लोग के ऊपर चढ़ कर आई और तुम लोग चलो अल्लाह हाफिज। भाई ये लोग आज मुझे झांस में डाल गए, कैमरा देख लेना चाहिए ड्रोन की वजह से, कैमरा की वजह से कर रहे हो ना, मुझे पता चल गया कैमरे की वजह से कर रहे हो ना। तो बस यार अब आज का मैं और ब्लॉग दोबारा से नया वाला स्टार्ट करूंगी, सारे ब्लॉग को हम यहाँ खत्म करते हैं। आपको क्या आज का ब्लॉग, आप लोगों को फिर मेरे हाथ में दर्द हो गया इस टाइम में ना चेक करें। तो आई होप कि आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे इन सारे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने बहुत सारे ख्याल रखें, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड स्टे स्पार्कलिंग, फिर मान अल्लाह, अल्लाह करे आप लोगों के रमजान बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह हाफिज। इस बारे पूरे ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्ल आई है, तो अगर आपने ये ब्लॉग आखिर तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर माई ट्रू फॉलोअर।